मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हर दिन नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को निधन हो गया था। मुख्तार का परिवार लगातार आरोप लगाता रहा कि उसकी मौत की वजह कोई हार्ट अटैक नहीं बल्कि जहर देने की वजह से हुई है, जिसके बाद इसको लेकर प्रशासनिक और न्यायिक जांच शुरू की गई थी। अब मुख्तार की विसरा रिपोर्ट ने इन सभी आरोपों पर विराम लगा दिया है। मुख्तार की विसरा जांच की गई जिसमें जहर नहीं मिला। विसरा रिपोर्ट को फिलहाल न्यायिक टीम को सौंप दिया गया है। अब जांच टीम पूरी रिपोर्ट बनाकर उच्च अफसरों को सौंपेगी। इससे पहले मुख्तार अंसारी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बावजूद जेल में जहर दिए जाने के आरोपों की वजह से विसरा लखनऊ में जांच के लिए भेजा गया था। जब से ये खबर सामने आई है तब से ही हर तरफ इस विसरा रिपोर्ट की चर्चा है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको समझाते हैं कि विसरा जांच क्या है और कैसे होती है। दरअसल किसी की मौत हो जाने के बाद अगर पुलिस इस शव का पोस्टमार्टम कराती है तो इस दौरान मरने वाले के शरीर से विसरल पार्ट यानी आंत, दिल, किडनी, लीवर आदि अंगों का सैंपल लिया जाता है, उसे ही विसरा कहा जाता है। अगर किसी शख्स की मौत संदिग्ध हालात में होती है, उसकी मौत के पीछे पुलिस या परिवार को किसी भी तरह का शक होता है, तो ऐसे मामलों में मौत की वजह जानने के लिए विसरा की जांच की जाती है। विसरा की जांच केमिकल एग्जामिनर करते हैं। वो विसरा की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मौत कैसे हुई और मौत की वजह आखिर क्या थी। विसरा रिपोर्ट को न्यायालय में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत 28 मार्च को बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन परिजनों ने जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद 29 मार्च को मुख्तार के शव को देर रात गाजीपुर पैतृक घर ले जाया गया, जहां 30 मार्च की सुबह कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।